इंडिया में 1 out of 5 वुमेन इन देयर रिप्रोडक्टिव एज सफर विद पीसीओएस एंड 70% वुमेन में ये कंडीशन कंप्लीटली अनडायग्नोस्ड रह जाती है। हाय, आई एम माधवी, आई एम अ क्लिनिकल गट एंड डायबिटीज रिवर्सल न्यूट्रिशनिस्ट और आजकल मेरे चैनल पे हम डिटेल में बात कर रहे हैं डायबिटीज रिवर्सल और इंसुलिन रेजिस्टेंस पर। जी हाँ, देखा गया है कि पीसीओएस पेशेंट्स में आने वाले 3 से 4 सालों में टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क डबल होता है एज कम्पेयर टू दोज विदाउट पीसीओएस। तो वो क्या लिंक है बिटवीन पीसीओएस एंड डायबिटीज और किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम पीसीओएस में डायबिटीज का रिस्क ना सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं बल्कि पीसीओएस को ही रिवर्स कर सकते हैं। ऑल दिस एंड मोर इन टुडेज वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बीमारी का सही इलाज हो उसके लिए उस बीमारी को सही तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और पीसीओएस को जब हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बुलाते हैं तो हम बीमारी को सही तरीके से ना समझने की बड़ी गलती करते हैं। जी हाँ, पीसीओएस स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी ओवरी में पॉलीसिस्ट है यानी मल्टीपल सिस्ट है पर इटियोलॉजी ओवेरियन नहीं है, यानी कि कॉज जो है वो ओवरी सेंट्रिक नहीं है, रूट कॉज कुछ और है और रूट कॉज को दिमाग में रखे बिना हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या डायबिटीज की दवाइयां या एंटी एंड्रोजेनिक दवाइयों से पीसीओएस का इलाज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इलाज इनकम्प्लीट रह जाता है। और वहीं इट इज अ सिंड्रोम, यानी इट इज नॉट लोकलाइज्ड टू ओवरीज, इट इज अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ साइंस सिम्टम्स एंड लैब एबनॉर्मैलिटीज हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। हमारा रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड और उसी के साथ साथ हार्ट डिजीज भी बढ़ रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसे सही तरीके से डायग्नोस करें और इसे अरेस्ट करते हुए इसके रिवर्सल पे काम करना शुरू करें। PCOS के डायग्नोसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं NIH 2012 गाइडलाइंस। जी हाँ, इन गाइडलाइंस के अनुसार 2 out of the following 3 conditions must be present to confirm PCOS। उसमें सबसे पहले है हाई एंड्रोजन लेवल्स, यानी आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई दिख रहे हैं जिसकी वजह से आपके एक्ने या फेशियल हेयर के साइंस आ रहे हैं। वही नंबर 2 ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, यानी आपकी पीरियड्स जो है वो इरेगुलर है या कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पीरियड्स है। एंड नंबर 3 पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जब आपकी ओवरीज को टेस्ट किया गया है तो उसमें प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सिस्ट्स जो है वो कंफर्म हुआ है। ये कंडीशंस कंफर्म करती हैं कि आपको पीसीओएस है और उसी समय से आपको पीसीओएस के रूट कॉज पे काम करना शुरू करना है। तो आखिर पीसीओएस का रूट कॉज है क्या? पीसीओएस का रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, वेल उस पे ही तो मैंने ये डिटेल वीडियोस बनाए हैं। इन्हें देखते हुए ना सिर्फ आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ सकते हैं बल्कि उसको रिवर्स करने की स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए अपनी बॉडी को 10x हेल्थ तक ले जा सकते हैं। पर समझने की बात यह है कि PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस 2 लेवल पर हो रहा है, एक सिस्टेमिक लेवल एंड दूसरा ओवरीज के अंदर। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरीके से PCOS को फ्यूल करता है ये बहुत ही आसानी से 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। देखिए, जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो बॉडी नेचुरल मैकेनिज्म से उसको कॉम्बैट करती है और वो है कि वो बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाने लगती है। जैसे ही बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है साइमल्टेनियसली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का भी प्रोडक्शन बढ़ने लगता है और यही इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ये फ्यूल करता है टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन, यानी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा बढ़ने लगती है। वही नंबर 2 हमारा जो हाइपोथैलेमस है जो सेक्स हॉर्मोन्स को रिलीज करता है उसमें इम्बैलेंस आने लगता है और उसके कारण ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन और फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो शुरू हो जाता है, यानी कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन FSH की मात्रा घटने लगती है, LH की मात्रा बढ़ने लगती है और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे ओव्यूलेशन को, यानी कि इररेगुलर पीरियड्स जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। वही नंबर 3 हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से लिवर जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, फैटी लिवर होने लगता है और उस वजह से लिवर जो है टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को रेगुलेट नहीं कर पाता, टेस्टोस्टेरॉन्स की मात्रा बढ़ती चली जाती है
और यही कारण बनता है एक्ने, फेशियल हेयर या मेल टाइप बॉल्डनेस का। यही बढ़ता हुआ टेस्टोस्टेरोन लेवल आने वाले समय में पीसीओएस के पेशेंट्स का रिस्क टुवर्ड्स टाइप 2 डायबिटीज बढ़ा देता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये पूरा ही एक लूप है, एक विशियस लूप है, जो ना सिर्फ पीसीओएस की इंटेंसिटी को मैग्निफाई करता है, बल्कि उसी के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क भी मल्टीफोल्ड कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपना रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज या हार्ट डिजीजेस घटाना चाहते हैं और अपने पीसीओएस को रिवर्स करना चाहते हैं, तो आपको एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। और आपका काम सिर्फ डायबिटीज की दवाइयां या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को गटकने से नहीं होगा। तो जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो हम 5 फैक्टर्स पे फोकस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना। ना इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे डाइट से तो इम्पैक्ट होता ही है, पर उसी के साथ साथ बहुत से ऐसे नॉन डाइटरी फैक्टर्स हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, और उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से आप इसमें बताई गई स्ट्रैटेजीज को अपनाते हुए इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं और पीसीओएस की जड़ को ही मिटा सकते हैं। नंबर 2 पे है टेस्टोस्टेरोन मैनेजमेंट एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, यानी कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ रही है। वेल, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से लें तो हम सही एक्सरसाइजेस के माध्यम से अपनी बॉडी को तेजी से फिट कर सकते हैं, लीन कर सकते हैं, फैट बर्निंग का इंटेंसिटी बढ़ाते हुए इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट। टेस्टोस्टेरोन जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारी वेट लिफ्टिंग जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। हमारी वर्कआउट के बाद मसल रिकवरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और एनहेंस हो जाती है, और ऐसे में हमें इस्तेमाल करना चाहिए हफ्ते में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स का। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स करते हैं तो वर्कआउट खत्म होने के 48 घंटे बाद तक हमारी बॉडी फैट बर्न करती रहती है, जिसे हम आफ्टर बर्न भी कहते हैं। जितना ज़्यादा फैट बर्न होता है उतना ही बेहतर हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस होता है, हमारा लीन बॉडी मास बढ़ता है, फैट परसेंटेज कम होती है, एंड ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटाइज होने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगता है। नंबर 3 पर है सर्कैडियन रिदम रीअलाइनमेंट। जी हाँ, हमारी बॉडी की जो बायो क्लॉक है, जो एक नेचुरल फ्लो ऑफ हॉर्मोन है, द नेचुरल फ्लो ऑफ फंक्शनिंग है, वो अलाइंड है सन क्लॉक से, जिसे हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। जब हम अपनी बॉडी को रीअलाइन करने लगते हैं इस सन क्लॉक के साथ, तो ऑटोमेटिकली हमारे हॉर्मोन्स को एक पुश मिलती है अपनी नेचुरल रिदम पे आने के लिए, और बॉडी में प्रेजेंट जो हॉर्मोनल फ्लक्चुएशंस या इम्बैलेंसेस हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रीअलाइन होते हुए हील होने लगते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर वेकिंग अप विद सन एंड गोइंग टू बेड सून आफ्टर सनसेट, ना कि लेट नाइट जग जग के आप बिंज वॉच या रिलैक्सेशन के नाम पे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज विल रियली हेल्प यू रिवर्स योर पीसीओएस नेचुरली। नंबर 4 इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी हाँ, बॉडी में जितना ज्यादा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है उतना ही ज्यादा हमारा जो थायराइड हॉर्मोन है वो घटता है। ना थायराइड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर मेटाबॉलिज्म। हमारा मेटाबॉलिज्म फ्लक्चुएट होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, और ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की फंक्शनिंग, फैट बर्निंग, इफेक्टिव फंक्शनिंग जो है कॉम्प्रोमाइज होने लगती है। इसीलिए मेक श्योर दैट यू आर इन कोऑपरेटिंग डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज इन योर रूटीन। एंड नंबर 5 इज डाइट। जी हाँ, डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन आर वेलबींग एंड हेल्थ। नाउ पीसीओएस जैसी कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ हमारी बॉडी में इंफ्लेमेशन भी बढ़ रहा है, तो हमारी डाइट जो है नेचर में एंटी इन्फ्लेमेटरी होनी चाहिए, ताकि इन्फ्लेमेशन को कॉम्बैट हो और साथ ही साथ हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी अरेस्ट कर पाए। और ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले हमारी डाइट में से पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड्स को हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें बैड फैट एंड बैड शुगर प्रेजेंट होता है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को बढ़ावा देता है। वहीं नंबर 2 हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करना है गुड फैट्स। ना ये गुड फैट्स कहाँ से आते हैं? घी, कोकोनट, नट सीड्स, हमारे जितने भी कच्चे घाने के तेल हैं आप उनमें खाना बना सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ ऑयल टू यूज़, पे मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है।
वहां जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑयल आपके लिए बेस्ट रहेगा। ना सिर्फ इतना, कॉन्शियसली अपनी हर मील में आपको इंक्लूड करनी है वेजिटेबल्स, और कौन सी वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स, लोकल वेजिटेबल्स, ताकि आपको एक डाइवर्सिटी मिले, आपकी गट माइक्रोबायोम को एक डाइवर्सिटी मिले, आपकी गट माइक्रोबायोम स्ट्रॉन्ग और थ्राइव करें, जिसके चलते आपके बॉडी में हार्मोनल बैलेंसिंग होनी शुरू हो। उसी के साथ साथ मेक श्योर दैट आप हर मील में प्रोटीन को इंक्लूड कर रहे हैं। नाउ प्रोटीन के सोर्सेज में, वेजिटेरियन सोर्सेज में आता है दालें, बीन्स, राजमा, छोले, इस तरीके की चीज़ें। उसी के साथ साथ आप एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में दूध, दही, पनीर, चिकन, फिश, मीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर दैट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, सभी मील्स में आप अच्छे से बैलेंस्ड मील खा रहे हैं, और दिन की शुरुआत भी आप एक पौष्टिक बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट से कर रहे हैं। उसमें क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उस पर भी पूरा डिटेल वीडियो है। आपके लिए एवरीथिंग इज लेड आउट, ताकि आपको कहीं भी और भटकने की और कॉन्ट्रडिक्टरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए इस चैनल पे होलिस्टिकली सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ना सिर्फ डाइट पे बल्कि तमाम हेल्थ कंडीशंस को इंटीग्रेट, इंटररिलेट करते हुए समझाया गया है कि पूरी बॉडी एक होलिस्टिक मैकेनिज्म है और कोई भी कंडीशन आइसोलेशन में नहीं आती। अगर इस तमाम जानकारी के बावजूद आप अकाउंटेबिलिटी या कस्टमाइज पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहते हैं, तो आप नीचे दिए कमेंट्स में पिंड नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे साथ टच में आ सकते हैं फॉर अ कस्टमाइज्ड डाइट प्लान स्पेशली फॉर यू। इन्फॉर्म्ड हेल्थ के चैनल पे ही आपको मिलती है ऑथेंटिक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इन सिंपल लैंग्वेज। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग से आप कंप्लीटली मिस रह जाएंगे। इसलिए अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट फ्राइडे जब मेरा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलीज हो, तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर आए। अगर आज के वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले फ्राइडे। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।